यूपी अल्टीग्रेड टीचर्स फॉर टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए एंड अल्टीग्रेड टीचर मैथ के लिए क्रम से एवं संचय परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वीडियो नंबर है 26। इस वीडियो में हम क्वेश्चन करने वाले हैं पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस टी वस्तु में संपूर्ण संचय ज्ञात करना। पी ए समान वस्तु हैं, जब एक प्रकार की हैं, क्यू एक प्रकार की हैं, आर एक प्रकार की तथा टी विशेष प्रकार की। अब इसमें क्वेश्चन है, एक थैली में चार पीली हैं, यानी कि पीली जो गेंद है, पीली पी बराबर चार मान लिए, चार पीली, तीन लाल लाल वाली हैं तीन, यानी लाल गेंदे हैं तीन, और नारंगी गेंदे हैं दो, और विशेष प्रकार की हैं, विशेष प्रकार की यहाँ पे हैं टी इक्वल टू फोर। ठीक है, यदि एक ही रंग की गेंदों को एक समान माना जाए तो थैली में एक अथवा अधिक गेंदे चुने जाने की विधियों की संख्या ज्ञात करो, यानी कि वही अभीष्ट संचय इसमें आ जाएगा। अभीष्ट संचय संचय इक्वल टू हो जाएगा पी प्लस का वन, क्यू प्लस का वन, आर प्लस का वन एंड टू की पावर टी माइनस वन। इस फॉर्मूले में वैल्यू ड्रा कर देंगे, यह हो जाएगा फोर प्लस का वन, थ्री प्लस का वन, टू प्लस का वन एंड टू की पावर फोर माइनस का वन, यानी कि फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू की पावर फोर माइनस का वन, 20 × 3 × 16 माइनस वन, यानी कि 60 × 16 माइनस वन, 960 माइनस का वन, 959 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है संख्या 2310, संख्या 2310 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, जबकि एक और दो 2310 को गुणनखंड नहीं माना जाना। इसके मतलब कितने गुणनखंड किए जा सकते हैं, एक को और 2310 को गुणनखंड नहीं माना जाता है। तो 2310 के हमने फैक्टर किए, यारा 2 × 5 × 3 × 7 × 11, तो 2310 को लिखेंगे 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1। 2 की पावर 1 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 1 को 2 की पावर 0 × 2 की पावर 1, यानी 1 × 2 की पावर 1 इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसी 5 की पावर 1 को तो 1 × 5 की पावर 1, यानी कि 5 की पावर 0 × 5 की पावर 1, 3 की पावर 1 को भी 3 की पावर 0 × 3 की पावर 1, 7 की पावर 1 को भी दो 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 ये गुणनखंड बन रहे हैं, 10 की पावर 0 × 10 की पावर 1। तो प्रत्येक को लिखने की संभव स्थितियां दो आ रही हैं, सब में दो 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 पॉसिबल स्थितियां आ रही हैं। तो 2 2310 के गुणनखंडों की संख्या आई है 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार आएगा, 3, 4 एंड 5, एक बार ये 2, 3, 4, 5, यानी सब में दो 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 पोजीशन आ रही हैं, 20 व 32 हो गया। जबकि एक को और 2310 को गुणनखंड नहीं माना जाता है, एक को और 2310 को गुणनखंड नहीं माना जाता है, तो उस कंडीशन में अभीष्ट गुणनखंड हो जाएंगे। एक और 2310 को गुणनखंड नहीं मानते हैं तो अभीष्ट गुणनखंड ये हो जाएंगे 32 - 2, यानी दो गुणनखंड कम हो जाएंगे, एक तो 1 नंबर वाला और एक 2310 वाला, तो दो गुणनखंड कम होने पर बनेंगे हमारे 30 गुणनखंड। ऐसा ही क्वेश्चन आगे है, संख्या 5040 यानी कि 5040 में कुल कितने गुणनखंड होंगे, 5040 यानी 5040 में कुल कितने गुणनखंड होंगे, यदि यह मान लिया जाए कि एक और 5040 को गुणनखंड नहीं लेते हैं। तो 5040 को तोड़ेंगे हम 2 की पावर 4 × 3 की पावर 2 × 5 × 7, तो 2 की पावर 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 0 × 2 की पावर 4, ये आ जाएंगे 5, इसको पी इक्वल टू 5 लिख लेंगे। ऐसी 3 की पावर 0 × 3 की पावर 2, इसको क्यू मान लेंगे, ये 3 हो जाएंगे, 2 अधिक 3, 5 की पावर 1 5 की पावर 0 5 की पावर 1, इसको आर इक्वल टू 2 एंड 7 की पावर 1 7 की पावर 0, इसमें पी क्यू आर एस मान लो, ये भी 2 हो जाएंगे। तो गुणनखंडों की कुल संख्या, तो कुल गुणनखंड येगा पी इंटू क्यू इंटू आर इंटू एस, यानी कि 5 × 3 × 2 × 2, ये हो जाएंगे 60। एक और
5040 को गुणनखंड नहीं मानते हैं, 1 और 5040 को गुणनखंड नहीं मानते हैं, अतः अभीष्ट गुणनखंड हो जाएंगे। अभीष्ट गुणनखंड दो कम होंगे, यानी 1 और 5040 गुणनखंड नहीं है, तो 60 - 2 इक्वल टू 58, 58 इसमें गुणनखंड हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएंगे, हमारा नेक्स्ट टाइप आ रहा है, नेक्स्ट टाइप में है पी प्लस का क्यू वस्तुओं को क्रम से पी और क्यू वस्तुओं के दो समूह में रखने के प्रकार यानी पी प्लस का क्यू सी पी इक्वल टू होगा फैक्टर पी प्लस क्यू अपॉन फैक्टर पी एंड फैक्टोरियल क्यू। यदि पी बराबर क्यू है, यदि पी इक्वल टू क्यू है तो ये 2p हो जाएगा, तो 2p वस्तुओं को दो समूह में बांटने की विधि फैक्टोरियल 2p अपॉन फैक्टोरियल p का होल ऑफ स्क्वायर। यदि ऐसा करने से प्रत्येक समूह दोहर जाता है तो अभीष्ट जो संख्या आ जाएगी वो हो जाएगी अभीष्ट संख्या। अगर समूह अगर दोहरा जाता है तो फैक्टोरियल 2p अपॉन 2 एंड फैक्टोरियल p का होल ऑफ स्क्वायर। इसी प्रकार पी प्लस क्यू प्लस आर वाले में है, पी प्लस क्यू प्लस नेक्स्ट फॉर्मूला है पी प्लस क्यू प्लस आर वस्तुओं को क्रम से पी क्यू तथा आर के तीन समूहों में रखने के प्रकार पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन फैक्टोरियल पी इस तरह से लेते हैं, तो फैक्टोरियल पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर हो जाएंगे। अगर पी बराबर क्यू बराबर आर है तो ये हो जाएंगी 3p वस्तुएँ हो जाएंगी, तो 3p वस्तुओं को तीन समूहों में बांटने की विधि हो जाएगी, यहाँ दो की जगह हो जाएगा, तीन समूहों में फैक्टोरियल 3p अपॉन फैक्टोरियल पी का होल ऑफ क्यू। अगर समूह दो वो हो जाता है, तीन समूहों में बांटते हैं तो अभीष्ट संख्या आ जाएगी यहाँ पे 3 आ जाएगी, फैक्टोरियल 3 आएगा, फैक्टोरियल 3 टाइप से वो परम्यूट कर सकते हैं। उसमें 2 जो लिखा था वो फैक्टोरियल 2 था, फैक्टोरियल 2 को 2 ही लिखा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीन टर्म वाला है, उससे पहले जो फॉर्मूला लिखा था हमने दो टर्म वाला लिखा गया था। अब इस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन इसमें करा दे रहे हैं। क्वेश्चन देते हैं इस पर, एक क्वेश्चन है हमारा, 15 विभिन्न वस्तुओं को चार चार के समूह के तीन पार्सल कितनी तरह से बनाए जा सकते हैं। पवन 15 विभिन्न वस्तु यदि पी प्लस क्यू प्लस आर कर लो 15, पी बराबर 4 यानी कि चार चार के तीन पार्सल बनाने हैं, चार चार के कितने पार्सल बनाने हैं, 3। तो विभाजन के भिन्न भिन्न विधियों को ज्ञात करने की अभी संख्या हो जाएगी अंडर रूट वो फैक्टोरियल पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल पी का होल ऑफ क्यू। यह हो गया विभाजन की अभीष्ट संख्या। तो फैक्टोरियल पी प्लस क्यू प्लस आर 15 भिन्न भिन्न वस्तुओं से चार चार के तीन पार्सल कितनी तरह से बनाए जा सकते हैं। तो पी प्लस क्यू प्लस आर 15 हो गया था एंड पार्सल बनाते चार चार, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 4 का होल ऑफ क्यू। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर निकल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है पंद्रह तासों को तीन खिलाड़ियों में बराबर बराबर कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। 15 तासें पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 51 तासों को तीन खिलाड़ियों में बराबर बराबर कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, यानी पी इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर है तो 3p इक्वल टू 51 हो जाएगा एंड पी इक्वल टू 17 और एन बराबर 3 है, 3 खिलाड़ी थे तो अभीष्ट संख्या फैक्टोरियल पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन फैक्टोरियल पी की पावर एन, यानी कि फैक्टोरियल 51 अपॉन फैक्टोरियल 17 की पावर 3, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
18 विभिन्न पुस्तकों को तीन छात्रों में 18 विभिन्न पुस्तकों को तीन छात्रों में बराबर बराबर कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। 18 बस पे पुस्तकें हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 18, और तीन छात्र हैं, तीन छात्रों में कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। तीन छात्रों में बराबर बराबर बांटना, पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर बराबर बांटना, एन बराबर 3 है, यानी 3p बराबर 18 एंड p बराबर 6 आ गया। बराबर बराबर बांटना है तो बांटने के पुस्तक बांटने के अभीष्ट प्रकार क्या जाएंगे, अभीष्ट प्रकार फैक्टोरियल पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल पी का होल ऑफ क्यू। तीन छात्रों में बराबर बराबर बांटना, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 3 टाइप से कम्यूट करेगा, यहाँ पे परम्यूट होगा उस कंडीशन लगेगी। अगर बराबर बराबर ना कहा होता तो यहाँ पे नहीं आता, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, इसको ध्यान रखना भी टिपिकल होता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बराबर बराबर कहा तो इस तरह से लिखेंगे, और केवल बांटना है तो उसमें नीचे फैक्टोरियल वाला टर्म नहीं आता है, ठीक है। खिलाड़ी में बराबर बराबर कितने प्रकार से बांटना था, तीन छात्रों में बराबर बराबर कितने प्रकार, 18 विभिन्न बुस्से उससे कैंसिल हो रही थी ना, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ये काफ़ी हो चुके हैं। और एक क्वेश्चन और है, इसमें 18 खिलाड़ियों में से 9 खिलाड़ियों की दो टोली बनानी है। 18 खिलाड़ी हैं, 9 की दो टोली बनेंगी, दो कैंसिल हो जाएगा, कितने प्रकार से चुनी जा सकती हैं, यानी बी प्लस क्यू बराबर 18, पी बराबर 9 की, एन बराबर 2, दो टोली बननी है। तो अभीष्ट प्रकार, ये भी बराबर बराबर वाली की बात कही है, तो इसमें भी हो जाएगा अभीष्ट प्रकार, बराबर बराबर का बैठना है, पी प्लस क्यू अपॉन यहाँ पे फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 आएगा, एंड फैक्टोरियल पी का हॉल ऑफ स्क्वायर, तो फैक्टोरियल 18 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 9 का हॉल ऑफ स्क्वायर सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा